ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबर पंचायत। अलवर के लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के गांव जोनाखेड़ा पहाड़ में अज्ञात बीमारी से मौत के बाद रविवार को सीएमएचओ डॉक्टर हंसराज मीणा और डॉक्टर जालिम सिंह ने गांव का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। प्रथम दृष्टया यहां डिप्थीरिया के जैसे लक्षण नहीं पाए गए। अलवर के कोटकासिम क्षेत्र के पाटन अहिर गांव में ग्रामीणों की तरफ से जिला प्रमुख रेखा राजू यादव का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला प्रमुख ने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी गांव के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आसपुर की डूंगरपुर पंचायत समिति में रामगढ़ ग्राम पंचायत के मसाना गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। गांव में पेयजल के लिए लोग हैंडपंप का सहारा लेने को मजबूर हैं। चौक के निवाई कस्बे में कार मोटरसाइकिल की टक्कर, एक की मौत हो गई और हादसे में एक घायल हो गया। हादसा एनएच 12 पर ट्रक यूनियन के सामने हुआ। घायल को जयपुर रेफर किया गया। चौक के मालपुरा कस्बे में डिग्गी में करंट से मौत होने के बाद 24 घंटे बाद समझौता हो गया और मृतक के परिवार को 5 लाख की सहायता की घोषणा की गई। आपको बता दें कि मृतक जयपुर डिस्कॉम में ठेकेदार का कर्मचारी था, वहीं लाइन पर काम करते वक्त करंट से मौत हुई थी। चूरू के सरदार शहर पुलिस द्वारा अभियान के तहत पकड़ी गई 9 बाइक को अभी तक कोई छुड़ाने नहीं आया है। ये बाइकें पुलिस के लिए सरदर्दी बनी हुई हैं। वहीं पुलिस इनके बारे में अन्य जानकारी जुटाने में लगी है। टोंक के टोडा रायसिंह कस्बे में बीसलपुर से जलापूर्ति बाधित हो रही है। पाइपलाइन के लीकेज पेयजल की सप्लाई के बीच परेशानी का सबब बना हुआ है, जिसको लेकर शुद्ध पेयजल के लिए कस्बेवासी तरस रहे हैं। झुंझुनू के सूरजगढ़ कस्बे के वार्ड 6 के हालत खराब हो चुके हैं। पूरा वार्ड गंदगी की भेंट चढ़ा हुआ है। गंदे पानी की निकासी नहीं हो पाने के कारण यहां गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वहीं वार्ड में महीनों से सफाई नहीं हो सकी है, जिससे बीमारियां फैल रही हैं। अजमेर जिले के उपखंड पीसांगन में बारिश से नालों में उफान से सड़कें नदियां बन गई, जिससे कच्चे मार्गों पर पानी भर गया। वहीं बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, जिससे किसानों के चेहरों पर रौनक दिखाई दी। बारां जिले के मांगरोल थाना क्षेत्र के गांव हिंगोनिया में जमीनी विवाद को लेकर आपस में एक ही परिवार के लोग लड़ पड़े, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और एक दर्जन लोग घायल हो गए। वहीं हादसे में 2 को गंभीर हालत में कोटा, 5 को बारा और 4 को मांगरोल के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। अलवर में नीमराणा थाना क्षेत्र के रेवाड़ा गांव में बीती देर रात बाइक सवार 3 हथियारबंद बदमाशों ने गांव के पहाड़ की तलहटी स्थित शराब ठेके पर हमला कर दिया। तीन बाइक सवारों को टोकने पर बाइक सवारों ने गाड़ी में बैठे ठेकेदार वीरेंद्र यादव पर 3 फायर किए और फरार हो गए। फायरिंग में ठेकेदार बाल-बाल बचे। ठेकेदार ने सरपंच और ग्रामीणों के साथ नीमराणा पुलिस थाने पहुंचकर फायरिंग के हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। ठेकेदार ने उसी के गांव रेबड़ा निवासी महेश और उसके साथ 2 और युवकों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। धौलपुर के बसेड़ी में पूछपुरा गांव में एक 12 साल के बच्चे की मौत का राज फाश हो गया है। पुलिस ने बताया कि सौरभ की हत्या एक आम रास्ते के विवाद को लेकर की गई थी। सौरभ 14 जुलाई की शाम को 6 बजे खेलने गया था। बाद में उसका शव गांव के ही गुलकंदी धोबी के कुएं में मिला था और बच्चे के सिर में वार कर उसकी हत्या कर दी गई थी। गांव के ही 2 व्यक्तियों पर हत्या का आरोप है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, उसने पूछताछ में हत्या करना स्वीकार किया है। वहीं दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। जोधपुर जिले के शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौर के गांव नाथडाओ और सेतरावा के सीनियर स्कूलों में व्याख्याताओं और शिक्षकों की भारी कमी है। इससे परेशान अभिभावकों और छात्रों ने दोनों स्कूलों पर ताले जड़ दिए हैं। हनुमानगढ़ जिले के भादरा के मूर्ति चौक पर स्थित स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर की शाखा में करीब 12 लाख रुपए की चोरी हुई है।
ईद की छुट्टी होने से बैंक शनिवार एवं रविवार को बंद था और चोरी की घटना का पता आज बैंक कर्मियों को लगा। चोरों ने स्ट्रांग रूम तक पहुंचने के लिए बरामदे की खिड़की में लगा शीशा तोड़ा और अंदर घुस गए। बैंक परिसर के अंदर दोनों स्ट्रांग रूमों को बड़ी आसानी से खोलकर अलमारी से सूटकेस आदि में रखे करीब 12 लाख रुपए पर हाथ साफ किया और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रतापगढ़ जिले का अमलावत गांव का स्वास्थ्य केंद्र अधिकांश समय ताले में बंद रहता है। यहां पर नियुक्त एक एएनएम और तीन सहयोगी अक्सर नदारद रहते हैं। जिससे यहां पर आने वाले मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। लोगों को अपने उपचार के लिए 5 किलोमीटर तक का सफर तय कर प्रतापगढ़ जाना पड़ता है। भीलवाड़ा एसीबी की टीम ने आज शाहपुरा में कार्रवाई करते हुए एक पटवारी को 1000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पटवारी रफीक मोहम्मद ने सारांश निवासी लक्ष्मण साधु ने काल खुलवाने की एवज में 1000 की रिश्वत मांगी थी, जिस पर एसीबी ने फरियादी लक्ष्मण दास को 1000 रुपए देकर भेजा। आज शाहपुरा तहसील कार्यालय के सामने पटवारी के अस्थायी कार्यालय पर उसको रिश्वत लेते रंगे हाथों एसीबी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। बाद में टीम ने पटवारी के नई आबादी स्थित आवास पर भी तलाशी ली, जिसके बाद टीम पटवारी को भीलवाड़ा लेकर रवाना हो गई। अलवर की बानसूर तहसील के नारायणपुर क्षेत्र के ग्राम चंदपुरा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में राज्यवर्धन सिंह साइंस क्लब के सदस्यों ने रविवार को पौधारोपण की शुरुआत की। पौधारोपण क्लब के कार्यकारी अध्यक्ष नगेंद्र सिंह चैनपुरा के नेतृत्व में किया गया। झालावाड़ जिले की भवानी मंडी पंचायत समिति कस्बे सहित क्षेत्र में हुई बारिश से नदियां उफान पर हैं। वहीं परवन नेवर गुलेंडी नदी में वर्षा के पानी की जोरदार आवक हुई है और परवन नदी में ज्यादा पानी की आवक होने से रविवार को 12 मार्च ठप रहा और वहीं रोडवेज की बसें बंद हो गई। चूरू जिले की तारानगर के पंचायत समिति सभागार में रविवार को प्रशासन जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई। बैठक में बेसहारा पशुओं की समस्याओं के निस्तारण को लेकर चर्चा की गई। सिरोही जिले की आबूरोड पंचायत समिति में बदहाल बड़े पार्कों को संवारने के लिए अब स्वयंसेवी संस्थाएं और जनप्रतिनिधि आगे आने लगे हैं। रखरखाव और देखरेख के अभाव में बदहाल पड़े पार्कों का शहरवासियों को इनका लाभ नहीं मिल रहा है। उदयपुर जिले की झाड़ोल तहसील की 28 ग्राम पंचायतों वाली फलासिया उप तहसील का एकमात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिछले एक माह से बिना चिकित्सक के चल रहा है, जबकि यहाँ चिकित्सक के 5 पद स्वीकृत हैं। उदयपुर जिले की कोटरा पंचायत समिति मुख्यालय के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सालों से स्वीकृत चिकित्सकों के 5 पद खाली होने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उदयपुर जिले की कानोर पंचायत समिति कस्बे के निकट डूगला पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बड़वाई के सरपंच द्वारा फर्जी अंक तालिका से चुनाव लड़ने का मामला दर्ज हो जाने पर भी फर्जी सरपंच की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की तमाम जानकारी को आप हमारी वेबसाइट firstindianews.com पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।